आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ये रियलिटी है आपकी। तो अब आप कहोगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, तो मैं आपको बताता हूं, मैं शुरुआत की बात करता हूं। सबसे पहले गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा डालना है सीधा। और भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने लोकसभा में वायदा किया था, मैंने वायदा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, सुनो, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में मैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1,00,000 रुपए साल के अंदर डालने जा रही है। ये हमने कहा था, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। मैं बता रहा हूं, याद रखो आप, मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखें तैसी, जिसकी जैसी चीज भावना है उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में या उनके उपासना के संबंध में, उनके भक्तों के दर्शन के संबंध में ऐसा ही बोला करते हैं। ठीक है, वह उनकी दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों की दृष्टि में वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें भगवान श्री राम बालक रूप में वहाँ उनकी स्थापना किया गया है और उसी स्थापना में लोग दर्शन किए हैं और आज भी दर्शन कर रहे हैं। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक आई जो देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए राहुल जी के दृष्टि में वो नौटंकी है, नाच गाना है, नौटंकी है, नाच गाना है। भक्तों के दृष्टि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, जिनके दर्शन से, जिनके प्रसाद से भक्तों का कल्याण होता है, और इसीलिए वो आए और दर्शन किए और उनका कल्याण हो रहा है। और अभी भी इसी प्रकार से जब से शुरू हुआ है प्राण प्रतिष्ठा और भगवान के, तब से दर्शन कर रहे हैं, आते हैं, और किसी के दृष्टि से कोई कुछ भी हो तो वैसे ही बोलेंगे, ऐसे ही कहेंगे। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार ने शुरू से नकार रही है कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक हैं, और तब ऐसे स्थिति में जो उनके नेता हैं वो ऐसे ही बोलेंगे, और ये बोलना वस्तुतः उचित नहीं है भगवान के प्रति। और ये जो ऐसा उटपटांग बोलेंगे वह उनको नुकसान करेगा, हानिकारक होगा, और जो श्रद्धा और भक्ति से आकर के पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको लाभ होता है। तो हानि और लाभ दोनों की प्राप्ति यहाँ होती है, भगवान की कृपा होती है। तो इसलिए उनके दृष्टि में भगवान राम के यह प्राण प्रतिष्ठा नौटंकी तो हो सकती है, नाच गाना है, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा हुई जिसमें भगवान विराजमान हुए और हमारे रामलला और उनके दर्शन और भक्तगण दर्शन करें।